सुबह के 6 बजे हैं और अब ना दिन जल्दी निकलने लग गया है और वेदर एकदम चेंज सा हो गया। देखो मुझे लग रहा है ना बारिश का मौसम है एक दो दिन से। मैं नीचे वॉक के लिए आई और बारिश आने शुरू हो गई है। देखो बट कोई नहीं, इतने तेज़ नहीं आती, थोड़ी बहुत तो करूँगी यार, नीचे उठ के आई हूँ तो एटलीस्ट। आजकल सोसाइटी में इतने प्यारे प्यारे फ्लावर्स लगा दिए ना, बहुत सुंदर हो गई इन दिनों में ना। ये देखो हर तरफ आपको फ्लावर्स फ्लावर्स मिलेंगे। बहुत कम लोग आते हैं, बट बहुत कम, इक्के दुक्के लोग आते हैं बस। बस एक अंकल बैठे हैं देखो पूरे पार्क में। पार्क पे आते हैं ना सुबह, यहाँ पे मशीन्स भी हैं कुछ, दो इधर है, दो तीन इधर है, तो उनकी एक्सरसाइज भी हो जाती है साथ में और बढ़िया सी वॉक हो जाती है शांति में एकदम। और अगर मैं आपको बताऊँ आज या कल में मैं घर भी जा सकती हूँ अपने, जैसे मैंने बताया था घर में शादी है और मैंने शेयर नहीं किया, बट मेरी पिछले 5-7 दिन से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, बार बार क्या ही शेयर करूँ इसलिए नहीं किया, बट हाथ दिखाते हुए ये देखो इंजेक्शन लग लग के ना पूरा ऐसे ख़राब हो गया है। स्टोन पेन मतलब महीने में 2 महीने में एक बार हो जाता था, लेकिन पिछले 7-8 दिन से मतलब मम्मी पापा आए हुए थे ना उससे एक दिन पहले से शुरू हुआ था, वो चले भी गए और कल, बस कल नहीं हुआ और आज नहीं हुआ, मतलब 8 दिन लगातार पेन हुआ और वो भी रात को 2-2.5 बजे, फिर हॉस्पिटल जाना पड़ रहा और ड्रिप लगवानी पड़ रही थी। तो अभी मुझे लग रहा है कि मैं बहुत एग्जॉस्ट हो गई हूँ, बहुत अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, तो घर जाके यार थोड़ा आराम करूँगी और अच्छा खाना, मतलब कुछ खाने वाने का भी मन नहीं कर रहा, अजीब सी फीलिंग हो रही है। बट मैंने वर्कआउट नहीं छोड़ा एक दिन, नोट अ सिंगल डे, पुश किया अपने आप को और आई और देखते हैं यार जो है अब लाइफ में वो तो लिखा ही है देखो, बट आप उसको कैसे अच्छा बना सकते हो वो आपके हाथ में। तो उठो अपने आप को पुश करो, एटलीस्ट 30 मिनट से शुरू करो वॉक का, 30 मिनट करोगे, 40 मिनट करोगे, फिर एक एक घंटा आप आराम से कर पाओगे। मैं 1 घंटा आराम से कर लेती हूँ, कोई थकान नहीं होती और सुबह वर्कआउट हो जाता है ना हल्का सा, तो मेरा पूरा दिन अच्छा जाता है एकदम। ये देखो ऐसा आपको सुबह सुबह देखने को मिले तो आप क्यों नहीं वॉक करोगे, है ना। और अभी दिन अच्छे हैं, हल्के हल्के ठंडे आगे तो बहुत गर्मी होने लगेगी, तो फिर वैसे ही नहीं कर पाओगे। तो ये महीना तो मुझे लगता है सबसे बेस्ट होता है अगर वॉक करने के लिए आप इवनिंग में भी और सुबह भी, क्योंकि वेदर आपके हिसाब से है, अच्छा है, ठंडा है और हल्की सी कोई जैकेट पहन के बढ़िया से मज़ा लें वॉक का। और फ्लावर्स देखो कितने सुंदर सब जगह पर, और पहले तो एक ब्लू भी लगाया मैंने जो बहुत ही सुंदर लग रहा है। हाँ प्रवेश काम से बाहर गए हुए थे 2 दिन से और रात को आए, कट्टा भर के पता नहीं क्या क्या ला रखा है भाई। अभी मैं निकालूंगी, ये जो बोर्ड जाएंगे ना उनके साथ ही निकालूंगी फिर। अभी मुझे भी कुछ नहीं आइडिया, बस ऊपर वाला देखा है मैंने, चॉपर है और ये पिल्लो है और आई थिंक एक निकाल भी लिया उन्होंने। तो यहाँ प्रवेश भी अब देख रहे हैं मुझे क्या क्या लेकर आए हो आप। देखने तो दो फिर, लो आप कैमरे के पीछे आओ, मुझे कैमरे के आगे आने दो, मैं एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। मैं देखता हूँ एक तो दिख गया मुझे मिनी चॉपर, शॉपिंग करी मैं देखता हूँ तेरे को कितनी चीजें पसंद आती है मेरी शॉपिंग की। चलो अब ना तेरे को यहाँ पे नंबर देने हैं ओके, कि इसमें आउट ऑफ 9, 10 out of 9, 10 out of 8 ओके ओके। तो यहाँ पे अगली पेशकश एक सुंदर कन्या के साथ, मेरी तपरी ले रही हूँ बट मेरा पेट तो चला गया, जीरो हो गया ना पूरी, बिल्कुल स्लिम हो गई, फिट हो गई, फिट हेल्थी। तो यहाँ पे अब प्रक्रिया शुरू है यार, ये तो सही में मतलब वो चोपर है ना ऐसे खींच खींच के वो खराब हो जाता है यार, वो चोपर कितने नंबर इसमें, इसको तो 100 है, 10 out of 10। हाँ तो जल्दी जल्दी करो आप, इसको मैं आज ही यूज करूंगी। ओके नेक्स्ट, ओ वाह, बट साइज देखती हूँ पहले खोल के। हाँ यार ये सबसे अच्छे ग्लास लगते हैं, शुक्र है आप ले। अच्छा छोटे वाले वो बड़े भी थे साथ? नहीं यही साइज चाहिए, ये नॉर्मल साइज होता है। आप ऐसे कर, एक ही डब्बा लाए हो, एक ही बोला था, चलो कोई नहीं, ऑफिस के अलग लाए हम, 10 out of 9 ओके। ये क्या है, देखो भाई ये तो, ये तो तुम बेकिंग का सामान ले आए, मोटे होने का सामान, मैं तो बच रही हूँ।
बट कितनी बढ़िया है सच में, इतनी हैवी। वाह, बेकिंग का नहीं है इसमें, अगर नहीं सैलेड भी डाल सकते हो, सैलेड भी डाल सकते हो, बाकी सैलेड के लिए ही है ये। नहीं जी, नहीं नहीं, जैसे कोई आते हैं तो उसपे सैलेड डाल दे, इसको सर्विंग भी कर सकते हैं, इसको माइक्रोवेव में गर्म भी कर सकते हैं, इसमें बेक भी कर सकते हैं। ओके नाइस, और एयर फ्रायर में तो वैसे ये मतलब क्वालिटी अच्छी है। हां बहुत बढ़िया। तो आउट ऑफ इसको 10 आउट ऑफ 10 नाइस। ये सबसे तो यहां पे मेरा स्कोर होता है 29। ये तो मेरे हैं, मेरे एल आ जाएगा, आ जाएगा। तो ये मैंने फर्स्ट टाइम किया ऐसा, मैं ही लाती हूँ हमेशा, आज तक रिकॉर्ड है। तो इनमें भी नंबर, इनमें भी नंबर मिलने चाहिए। पता नहीं ये ब्रांड मैंने यूज नहीं करा। अरे ब्रांड नहीं, मतलब ये चीज लेके आया मैं। आ तो आपने लिए लाए हो, आप रेटिंग दोगे उसको? दलिया, ओके, इट्स फॉर यू, धन्यवाद। एक और कोर्स दो लेकर आयो भाई साहब, तुमने तो बहुत तगड़ी शॉपिंग कर दी मुझे लग रहा है। ये तो एयर फ्रायर में भी आ जाएगा मेरा ना, एयर फ्रायर के लिए चाहिएगा इसको तो 10 out of 10 पूरे। ये तो बहुत अच्छी क्वालिटी है। और क्या क्या लाए भाई? मूसली तेरे लिए, वाह हेल्दी, तो सारी चीजें सही ले आए। कम से ना हमारा एक्सटेंशन खराब हो चुका था और मैं गुस्से में नहीं ला रही थी क्योंकि हमेशा हर चीज मेरे सर पे होती है कि हाँ मुझे ही करनी है। तो चलो इसको 10 out of 10। यहाँ पे स्कोर होता है मेरा 60। गुड नाइट, सही मच्छर अब होने वाले हैं बहुत सारे, तो काफी सारी गुड नाइट दिख रही है मेरे को। इसमें खुल गई है पर भी शेप ऐसे करना, एक दो ऑफिस में लगा लेना, एक दो मैं यहाँ पे काम आ चाहिए मुझे। डॉलर सब डॉलर ही उधर रख दो, वहां पे डॉलर। दो डब्बे ओट्स मसाला, योर फेवरेट, तू कहती है ना अपने अपने ओट्स ले आता है, मेरे नहीं ले गया। हाँ मुझे ये मसाला वाले अच्छे लगते हैं। दलिया दो डब्बे, ये वाला तो सही कर देखा। कपड़े कपड़े वाली चिमटिया हिंदी भाषा में गई तो क्लिप्स, मैं जब ले रहा था मैं कभी नहीं ली। हाँ लाए नहीं पर बहुत सारी है ये तो। शैम्पू गुड, कंडीशनर भी लाए हो क्या? कंडीशनर नहीं मिला, नहीं मिला। बॉन्ड्स टैल्कम पाउडर, हाँ सबसे बढ़िया चीज ये वाला ब्रांड सबसे बढ़िया लगता है। डिओड्रेंट्स सबसे अच्छा ये वाला यूज करो, मैं कप से आता है कप से। सामान तो काफी था, ये खत्म हो गया। शहद तो बहुत सारा निकल चुका है, और ऑल आउट और हैंकी अपने लिए आप लेकर आए। ये कितने दिन चलेंगे परवेश को? एक लाख हैंकी ला के दो, अगले दिन कहेंगे नहीं है। अच्छा फिर दो तकिए भी थे ना, दो पिल्लो थे, हाँ वो मैंने निकाल के, पिल्लो तो मैं रात को ही लगा के सो गया। हाँ एक मैंने डाल दिया कवर में, तो आज आपको पूरे 10 out of 10 है हर चीज में, कपड़े की चिमटी में भी। अब इस खुशी में हाँ कितना बढ़िया लग रहा है ना, मेरे को तो सबसे बढ़िया इस, इस खुशी में अब मेरे को मिलेगी एक प्यारी सी हागी। थैंक यू। और अब मैं जाने वाली हूँ 2-4 दिन के लिए। परवेश को आजकल बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए, इसलिए परवेश इधर उधर जाते रहते हैं, इसलिए मैं उनको स्पेस दे रही हूँ और अपने घर जा रही हूँ। आराम से 2-4 दिन रेस्ट करूंगी और फिर मिलूंगी, है ना? तो यहाँ पे रुका नहीं जा रहा, करियो भी ट्राई करूंगी। कितना अच्छा कलर लग रहा है ना कलर, और तो मेरे के सारे किचन प्रोडक्ट ब्लैक कॉम्बिनेशन में, इसलिए ये भी आप सही है। ये तो आप सोच के नहीं ना, ये तो बाई चांस आ गया, मुझे पता है। ओ बाई चांस आ गया, मैं तो बाई चांस ही करता हूँ सब कुछ, सोच के लाए। मतलब यही है, और तो अप्रिशिएट नहीं करती यार, कर तो दिया और कैसे अप्रिशिएट करूं। आप लोग करते हो अप्रिशिएट खाना खाने के बाद? बोलते हो थैंक यू खाना देने के लिए? बोलता हूँ, खाना तो रोज बनता है ना, ये तो रेयर है। तो रोज खा आप, चलो हफ्ते में एक दिन बना दिया करूं खाना, है ना? फिर बोल दिया करना। पैकिंग हो चुकी है मेरी और बस अब मैं निकलूंगी घर से। सारा सामान देखो, चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती है, बट इस बार कोशिश करिए कि बैग में आ जाए। और देखो लहंगा तो बैग में आ नहीं सकता, तो वो अलग से रखा मैंने।
तो मेरा कुछ आज ये आउटफिट है और आपको दिख रहा होगा, अब तो मैं थोड़ी पतली हो गई हूँ, अब मुझे लग रहा है, अब तक नहीं लगता था बट नाउ अभी फील मुझे अच्छा हो रहा है बॉडी से। भाई बहुत कम हो गया अब सच में।